हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन के लाइफ और वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? फर्स्ट 22 अप्रैल 1600, 19 अगस्त 1604, 6 जून 1606, 9 दिसंबर 1608 एंड द करेक्ट आंसर इज 9 दिसंबर 1608। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन कहाँ पैदा हुए थे? ब्रिस्टोल, यॉर्कशायर, लिवरपूल, लंदन। और इसका सही आंसर है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल डिड जॉन मिल्टन अटेंड? सेंट जॉन्स स्कूल, सेंट पॉल्स स्कूल, सेंट पीटर स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल। और इसका करेक्ट आंसर है सेंट पॉल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉलेज डिड जॉन मिल्टन अटेंड? पेम्ब्रोक कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, क्राइस्ट कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज। करेक्ट आंसर है क्रिश्चियन कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन वॉज 34 व्हेन ही मैरिड मैरी पॉवेल, हाउ ओल्ड वॉज शी? जॉन मिल्टन ने जब शादी की थी उस समय इनकी आयु 34 साल की थी, तो उस समय मैरी पॉवेल की आयु क्या थी? 48, 34, 22, 17। 17 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जॉन मिल्टन पब्लिश टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट? इनकी एक पोएम है, 1649, 1642, 1638, 1620। सही आंसर है 1649। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट? ओलिवर क्रॉमवेल, मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडकॉक, चार्ल्स फर्स्ट। सही आंसर है सी, कैथरीन वुडकॉक। इनकी वाइफ थी ये, इन्हीं की याद में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश? कब ये पब्लिश हुई थी? 1606, 1667, 1658 और 1654। इसका सही आंसर है 1667। नेक्स्ट है, व्हेन वाज पैराडाइज रिगेंड पब्लिश्ड? 1671, 1657, 1669, 1652। और इसका सही आंसर है 1671। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जॉन मिल्टन डाइड? जॉन मिल्टन की मृत्यु कब हुई थी? 4 फरवरी 1702, 2 जून 1700, 17 अप्रैल 1688, 8 नवंबर 1674। और ये डी सही आंसर है 1674। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक? ये पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं। सैटर्न अपने आप को कई सारे फॉर्म में चेंज करता रहता है, कौन सा फॉर्म है जिसमें उन्होंने अपने आप को नहीं चेंज किया है? फर्स्ट है एंजल, टोड, कोर्मोरंट। ये सारे फॉर्म उसने लिया था, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इन हुज बुक डज द फॉल टेक प्लेस? यानी कि किस बुक में जो सैटर्न है, यानी कि उसकी जो बाकी एंजल्स है उनको हेवन से निकाला जाता है, तो ये जो घटित होता है ये बुक 9 में होता है। इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर्स? बाइबल की कौन सी बुक में एडम और ईव की स्टोरी घटित होती है? तो ये बाइबल की बुक है जेनेसिस, उसी में ये स्टोरी घटित होती है।
नेक्स्ट है, विच डेविल एडवोकेट्स अ रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड? इसका सही आंसर है मोलोच, मोलोच। नेक्स्ट है, व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पज इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने कौन सा पर्पज बताया था? तो ये 15 का आंसर आपका है, ये सी वाला है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो इसका आंसर है एगोनी, डी, ए, पैराडाइज लॉस्ट का कोई कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट है, विच एंजल वील्ड्स अ लार्ज स्वॉर्ड इन द बैटल एंड वोंड सैटन? तो ये 17 नंबर का आपका हो जाएगा, माइकल है, माइकल यानी कि फर्स्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन सैटन लीप्स ओवर द फेंस इनटू पैराडाइज व्हाट डज मिल्टन लाइकन हिम टू? तो इसका सही आंसर है अ वुल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन। नेक्स्ट है, विच एंजल टेल्स एडम अबाउट फ्यूचर इन बुक्स 11 एंड 12? कौन सा एंजल है जो फ्यूचर के बारे में बताता है 11 एंड 12 बुक्स में? तो ये माइकल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल? हेल में कौन सी चीज नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का ऑयल। ये जो भी कैरेक्टर्स इसमें आ रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट के, यदि इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर से रिलेटेड, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज असर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट? तो ये है अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच डेविल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम? पैंडेमोनियम का मेन आर्किटेक्ट कौन होता है? तो इसका सही आंसर है मल्सीबर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डज मिल्टन इनवोक अ म्यूज? म्यूज को कितनी बार याद करते हैं, पुकारते हैं? इसका आंसर है तीन बार। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज? पैराडाइज से एडम और ईव को बाहर कौन ले जाते हैं निकालने? तो ये 24 नंबर का हो जाएगा आपका, माइकल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज मिल्टन इमुलेट्स? कौन से पोएट को मिल्टन नकल करते हैं? 25 नंबर का है, तो ये दोनों को, यानी कि वर्जिल और होमर दोनों को नकल करते हैं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का कौन सा सब्जेक्ट क्या है? तो ये 26 नंबर का आपका हो जाएगा, एडम एंड ईव डिसओबीडियंस, यानी कि ये बेसिकली मेन सब्जेक्ट यही है कि एडम और ईव जो होते हैं गॉड की नाफरमानी करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसी पर ये पूरा चैप्टर होता है। विच डेविल इज सैटन्स सेकेंड कमांडर? तो ये 27 नंबर का हो जाएगा, बीलजेबुब, यानी कि इसका डी है। हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम? एडम के साथ कॉस्मोलॉजी और बैटल ऑफ हेवन को कौन डिस्कस करता है? तो ये राफेल होता है। विच ऑफ दीज वर्ड्स और यूसेज डिड मिल्टन नॉट क्वाइन? कौन से वर्ड्स को मिल्टन ने क्वाइन नहीं किया है? तो ये ब्लैटेंट होता है, इसको इन्होंने नहीं यूज़ किया है। फॉलोइंग पार्लियामेंट्रीज विक्ट्री इन द सिविल वॉर मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू अपोजिशन इन द क्रोमवेल्स गवर्नमेंट इन 1649, वॉट वॉज हिज टाइटल? उसका टाइटल क्या था? तो इनका टाइटल था सेक्रेटरी फॉर फॉरेन लैंग्वेज, ये इनको टाइटल मिला था, इनको नियुक्त किया गया था क्रोमवेल की पोजीशन पे। नेक्स्ट है 31, एज वेल एज पोएट्री मिल्टन पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली ऑन
पॉलिटिक्स, फिलोसफी, रिलीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ हिज वर्क, कौन सा इनके वर्क नहीं है? तो ये ऑफ प्रैक्टिकल एक्सोरसिज्म, ये इनका वर्क नहीं है, बाकी ऑफ प्रीलेटिकल एपिकोपेसी द लाइकेस्ट मीन्स ऑफ द रिमूवल हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च और डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ द डिवोर्स, ये सारे इनके हैं, बस यही नहीं है। 31st है, विच सीन हैपेंस फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली, सबसे पहले सीन कौन सी होती है, उसके बाद सीन कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी घटित होती है, तो इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो कुछ इस तरह से है। सैटर्न डेविल्स राइज अप फ्रॉम द लेक इन द हेल, द सन इज चोजन अ गॉड सेकंड कमांडर, द गॉड एंड द सन क्रिएट द यूनिवर्स, द एंजल्स बैटल इन हेवन। तो इसका जो क्रोनोलॉजी हो जाएगा, द सन इज चोजन, हाँ ये बी वाला हो जाएगा, द सन इज चोजन एज गॉड सेकंड कमांडर, सेकंड इन कमांड, ये हो जाएगा। और इसका 33 है, विच ऑफ द एंजल इज कंसीडर्ड अ हीरो फॉर आर्गुइंग अगेंस्ट सैटर्न, तो इसका एफडीएल होगा आंसर, एफडीएल। नेक्स्ट है, इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स, व्हाट डू द रेबल एंजल्स मेक, तो ये हो जाएगा, ये जो बनाते हैं गॉड को हराने के लिए, ये कैन बनाते हैं, तोप का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज गॉड नॉट क्रिएट, गॉड ने क्या चीज़ क्रिएट नहीं किया है, कंप्यूटर, इसका आंसर। नेक्स्ट है, हु डज मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूज, तो इसको यूरेनिया को हेवनली म्यूज यानी कि देवी मानता है। व्हाट डज ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकम्स कॉन्शियस, वो क्या करती है जब कॉन्शियस होती है यानी कि जब वो होश में आती है, तो ये होता है, लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन द स्ट्रीम, नदी में अपने रिफ्लेक्शन को देखती है। नेक्स्ट है, एडवर्ड किंग अ मिरर पोएट एंड अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मिल्टन्स एट कैम्ब्रिज वॉज ड्रॉन एट सी इन 1637, मिल्टन रोट एन एलिजी फॉर हिम, वॉट वॉज द टाइटल ऑफ हिज पोइम, मिल्टन ने जो एडवर्ड किंग पे एक एलिजी लिखी थी उसका टाइटल क्या है, तो इसका टाइटल है लिसिडस, लिसिडस टाइटल है, अच्छी पोएम है, मैंने डिस्कस भी किया है, आप देख सकते हैं। इन 1638 एंड 1639 मिल्टन ट्रेवल्ड अब्रॉड, इन विच कंट्री डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, सही आंसर है, इटली में इन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी, मिल्टन ने कितनी बार शादी की थी, तो ये 3 times शादी किए थे, डी आंसर है। विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक्स बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ शेरफ, 41, तो 41 का आंसर हो जाएगा यूरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज वॉज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ने कौन सा पोएम नहीं लिखा है, तो इसमें से जिन्होंने नहीं लिखा है लास्ट वाला है, एब्सोलोसम एंड एसिटोफिल, ये मिल्टन का वर्क नहीं। इन 1634 मिल्टन रोड अ मास्क, व्हाट्स द नेम ऑफ द दैट मास्क, इन्होंने जो मास्क लिखा था उसका नाम था, ऑप्शंस है सेकेंड पेंसरेसो लिसिडस कॉमस, इनका कॉमस मास्क का नाम था। नेक्स्ट है, मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस और इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ द नीडेड, बट हु वॉज इट समनिंग हिज घोस्ट, तो 44 का आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ, को ये एड्रेस कर रहे थे। 45, द 20th सेंचुरी हैज़ बीन लेस काइंड टू हिज मेमोरी, टी एस इलियट फाउंड हिज इमेजरी डिस्ट्रैक्टिंग एंड कंसीडर्ड हिज वर्क नॉट सीरियस पोएट्री, बट इट वॉज अनदर क्रिटिक हु अक्यूज्ड हिम ऑफ कैलसनेस टू द
इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इंग्लिश हु? तो इसका सही आंसर है एफ आर लीविस, यानी कि फर्स्ट है। 46 है, दाई सोल वॉज लाइक आई स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, हु सेड एंड वेयर? किसने कहा और कहाँ पर इस लाइन को कहा? तो ये 46, ये भी वर्ड्सवर्थ की है, फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस? ये किसकी लाइन है, किसने इसे कहा है? तो ये 47 का मिल्टन ने ऐसा कहा है। हु वॉज मिल्टन्स मास्टर, मिल्टन का मास्टर कौन था, ये किसको ये मानते थे? तो स्पेंसर थे। मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर, ये किसमें ऐसा बताया गया है? ये क्राइस्ट विक्ट्री में डिस्क्राइब किया गया है, एंट्रम। इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्रिच कॉर्डन, मिल्टन रिपुडिएट्स, रिपुडिएट मीन्स यानी कि किसी चीज़ को ठुकराता है। तो ये 50 का आपका आंसर हो जाएगा, मैरिज फर्स्ट। इन द सोनेट मी दाउ आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट मिल्टन सेलिब्रेट हिज, वो जो ये बात करते हैं कि कैथरीन वुडलॉक होता है कौन से नंबर की वाइफ होती है, उसी के याद में लिखा गया होता है ये पोएम। तो ये 51 नंबर का हो जाएगा, सेकंड नंबर की वाइफ होती है इनकी, ये सेकंड नंबर की वाइफ होती है। नेक्स्ट है, हु कमांडेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, ये किसके? तो ये जो है 52 का है, ड्राइडन के बारे में कहा गया है। द मीनिंग ऑफ इल एलिग्रो, इल एलिग्रो की मीनिंग क्या होती है, एक पोएम डिस्कस किया गया था इल एलिग्रो को, आप देख सकते हैं वहाँ पर बताया था इसकी मीनिंग होती है जॉय एंड हैप्पी, और स्पेंसरोसो है उसके माने होता है सैड या मेलिंकोली। विच पोएम ऑफ द मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, तो ये हॉर्टन है, हॉर्टन पोएम्स। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क, मास्क का आइडिया इंग्लैंड ने कहाँ से लाया था? ये इटली से लाया था। नेक्स्ट है एरियोपैगाटिका, 56, एरियोपैगाटिका हाइलाइट्स, किस चीज़ को हाईलाइट करती है? तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को हाईलाइट करती है। पैराडाइज लॉस्ट इज इन किस में लिखी गई है? तो पैराडाइज लॉस्ट को जो लिखा गया है ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स। सारे ऑप्शंस को नहीं रीड कर रहा हूँ ताकि टाइम कुछ कम लगे और जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज पॉपुलर नोन एज हॉर्टन पीरियड, फर्स्ट है, हॉर्टन पीरियड है। नेक्स्ट है, मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन हिज पोएम, किस पोएम में दिया है? तो ये लिसिडिस में इन्होंने अपने व्यूज को दिया है पोएट्री पर। द एबिलिटी ऑफ द पोएट इज इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियली बेस्टोर्ड हु सेड, ऐसा किसने कहा था? तो ये मिल्टन ने कहा था ऐसा। व्हेन मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी हिज एज वॉज, कितने साल के थे ये? तो उसमें 21 साल के थे। एल एलिग्रो, इल स्पेंसरोसो, आर्केड्स, कॉमस, लिसिडस बिलोंग्स टू, ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो ये हॉर्टन पीरियड से बिलोंग करते हैं। रेस्टोरेशन केम इन, रेस्टोरेशन कब आया? तो ये 1660 में आया था, 1660 में। अ ग्रेट प्लेग अकर्ड इन, ये प्लेग जो है बीमारी कब हुई थी?
तो ये 1665 में हुई थी। विच पोएम डील्स विद द सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस, यह है पैराडाइज रीगेंड। बन हिल फील्ड इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है मिल्टन से। मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन को कहा जाता है। बिलेटेड एलिजाबेथन, यानी एलिजाबेथन के से थोड़ा लेट। फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट, हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा था, मिल्टन ने कहा था। फ्रॉम 1632 टू 1638 मिल्टन कंटिन्यूज हिज स्टडीज एट, इन्होंने कहाँ पे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया था, तो ये हॉर्टन पे कंटिन्यू किए थे, हॉर्टन जगह। विच टू पोएम्स ऑफ द मिल्टन आर कंपेनियन पोएम, मिल्टन की कंपेनियन पोएम कौन सी बहुत ही फेमस है, मैंने इनको डिस्कस भी किया है, ये है एल एलेग्रो एंड इल स्पेंसर, उसमें जिसके इसकी मीनिंग होती है खुशी, इसके मन तो दुख, लैटिन वर्ड्स हैं। द टाइटल ऑफ इल एलेग्रो एंड इल स्पेंसर आर फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, 71, ये मिसिकोलॉजी है, मिसिकोलॉजी से लिया गया। द मीनिंग ऑफ इल पेंसेरोसो, इल पेंसेरोसो इज, इल पेंसेरोसो की मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग हो जाएगा मेलेंकोली या थॉटफुल माइंड होता है। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फॉर सैटर्न इज कंपेयर टू, सैटर्न को किससे कंपेयर किया जाता है, तो इसको कंपेयर किया जाता है लेविथन से, लेविथन से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हु वॉज नेक्स्ट टू सैटर्न, 74, ये बीलजबुब था, कमांडर था उसका। मोलोस इज द होरिड किंग बिस्मियर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, हुज वुंड अल्योर्ड द सीरियन डैमसेल्स टू लेमेंट हिज फेथ, ये होता है तैमज, तैमज हो जाएगा। नेक्स्ट है हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल, सबसे लास्ट में कौन है, ये बीलियल है, वेरीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर, हु सेड, हु सेड, ये डॉक्टर जॉनसन ने ऐसा कहा था, डॉक्टर जॉनसन। मिल्टन रोड दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स, विच वर्क इज दिस, ऑफ द टेन्योर ऑफ नाइट्स किंग्स एंड मजिस्ट्रेट ऑफ हिम ऑन द नेटिविटी कॉमस पैराडाइज लॉस्ट, ये 79 का है, ऑफ ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज द प्यूरिटन वर इन माइनॉरिटी मेजोरिटी नीदर इन माइनॉरिटी नॉर मेजोरिटी नन ऑफ दीज, तो इसका हो जाएगा माइनॉरिटी में थे, इनकी संख्या उस समय कम थी प्यूरिटन की। मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन अ पैशनेट टाइम, हु सेड दिस, पहला है पैटिसन लॉन्ग जॉन बेली शेक्सपियर, ऐसा किसने कहा था, तो ये कहते जॉन बेली ने कहा था, यानी कि इसका आंसर सी है। हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी के पोस्ट में, उन्होंने किससे ज्वाइन किया था, चार्ल्स फर्स्ट क्रॉमवेल जेम्स, तो ये क्रॉमवेल ने इनको नियुक्त किया था। इन सैमसन्स एगोनिस्ट मिल्टन अपीयर्स इन अ फिगर ऑफ, सैमसन के फिगर में यानी सैमसन के रूप में इन्होंने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया है उस पोएम में। हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, मिल्टन की स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच एपिक ऑफ मिल्टन इज प्रोडक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिनेशा? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट, नन ऑफ दीज। तो ये पैराडाइज लॉस्ट है। नेक्स्ट है, विच डॉक्ट्रिन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट? फ्रीडम ऑफ रोमांस, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ वंडरिंग, फ्रीडम ऑफ सिन। तो ये 86 का है, फ्रीडम ऑफ विल, यानी क्वेश्चन आंसर आपको हो जाएगा डी। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, हु सेड? किसने कहा था मिल्टन ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखा है? ये जॉनसन का कथन है, जॉनसन। नेक्स्ट है, मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट, हु सेड इट? ये ब्लैक ने ऐसा कहा था। हु रोड द म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्ड्स? हेनरी लॉज, डोबरी, राफेल, माइकल एंजेलो। हेनरी लॉज ने लिखा था। हु सन इज कॉमस? कॉमस किसका बेटा था? तो ये कॉमस जो बेटा था ये बैकस एंड सिरसे की बेटी है। द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन इज? मिल्टन की सेकेंड वाइफ कौन थी? तो सेकेंड वाइफ थी इसकी कैथरीन वुडकॉक थी। और फिर है 92 नंबर का है, मिल्टन बेकेम टोटली ब्लाइंड, पूरी तरह से अंधे हो गए थे, ये 1652 में। विच वन इज अ पास्टल पोएम बाय मिल्टन? कौन सी पास्टल पोएम है? तो ये जो लिसिडस है ये पास्टल पोएम है और एलिजी भी है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ लाइफ मिड लास्ट स्टूडेंट फर्स्ट, ये कौन सी एज में लिखे थे? तो ये इनके लाइफ का लास्ट फेज था उसमें लिखा गया था। ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ या कुछ अलग वर्क के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।